हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक. माय नेम इज़ गर्वित खंडेलवाल. आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर मैकेनिकल इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा. सो आज हम ME206 वीडियो सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे. कल हमने यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1.1 डिस्कस किया था. उसमें हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑटोमोबाइल देखे थे. आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1.2 अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, वो है चेसिस एंड बॉडी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो द कंटेंट ऑफ दिस टॉपिक विल बी इंट्रोडक्शन ऑफ चेसिस फ्रेम. चेसिस फ्रेम में का इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ देखेंगे. नेक्स्ट इज लेआउट ऑफ चेसी. चेसी का किस टाइप से दिखता है, क्या लेआउट होता है एंड इट्स मेन कॉम्पोनेंट. इसके क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ फंक्शंस ऑफ दी चेसी फ्रेम. तो इसके फंक्शंस क्या क्या हैं हर फ्रेम के, टाइप्स कौन से होते हैं चेसिस फ्रेम के. नेक्स्ट इज़ वेरियस लोड्स एक्टिंग ऑन दी चेसिस फ्रेम. चेसिस फ्रेम पे किस किस टाइप के लोड्स लगते हैं इन डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट सिचुएशंस. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंट बॉडीज यूज इन ऑटोमोबाइल्स. तो किस किस टाइप की बॉडी होती है एक ऑटोमोबाइल के अंदर, किस किस टाइप का एक्सटीरियर स्ट्रक्चर, बाहर से किस किस टाइप की हम लोग डिफरेंट एक रोड पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑटोमोबाइल्स देखते हैं. तो उन जितने भी टाइप के ऑटोमोबाइल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट टॉपिक विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडीज फॉर वेरियस टाइप ऑफ व्हीकल्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ चेसिस फ्रेम. सो चेसिस फ्रेम क्या होता है. चेसिस फ्रेम इज़ द बेसिक फ्रेम ऑफ द ऑटोमोबाइल. एक ऑटोमोबाइल का सबसे बेसिक फ्रेम होता है. इट सपोर्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल अटैच टू इट. जो कि जितने भी एक ऑटोमोबाइल, एक गाड़ी के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं वो उससे अटैच होते हैं और उसको एक सपोर्ट का काम करता है. इट इज़ मेड ऑफ ड्रॉप फोर्स्ड स्टील. ये फोर्स्ड स्टील का बना होता है, मतलब पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एक ही साथ बना होता है फोर्जिंग के द्वारा. एंड ऑल दी पार्ट रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल्स आर अटैच्ड इट ओनली. जितने भी एक ऑटोमोबाइल के अंदर पार्ट होते हैं वो इससे अटैच्ड होते हैं. ऑल द सिस्टम्स रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल लाइक पावर प्लांट, ट्रांसमिशन, स्टीयरिंग, सस्पेंशन, ब्रेकिंग सिस्टम एक्सेट्रा आर अटैच्ड टू इट एंड सपोर्टेड बाई इट ओनली. जितने भी एक ऑटोमोबाइल के अंदर पार्ट होते हैं, चाहे आप स्टीयरिंग सिस्टम ले लो, सस्पेंशन सिस्टम ले लो, ब्रेकिंग सिस्टम ले लो, सारे इससे अटैच्ड होते हैं. नेक्स्ट इज लेआउट ऑफ चेसिस एंड इट्स मेन कंपोनेंट. तो लेआउट किस टाइप का होता है. चेसिस क्या होता है, एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है द कंप्लीट ऑटोमोबाइल विदाउट बॉडी. मतलब एक जो ऑटोमोबाइल है, एक गाड़ी है जिसके हम एक ऊपर का जो उसका बॉडी है वो हटा दें तो उसका जो उसके अलावा जो चीज़ें बचेंगी वो एक चेसिस के अंदर आती हैं. एंड इट इंक्लूड्स ऑल द सिस्टम्स लाइक पावर प्लांट, मतलब जो भी हमारा जो पावर जनरेशन हो रहा है उसके लिए जो भी इंजन सिस्टम है वो, ट्रांसमिशन सिस्टम जिससे कि हम स्पीड को आगे पीछे करते हैं जिससे कि हमारी गाड़ी की जो स्पीड है वो कम या ज़्यादा होती है, स्टीयरिंग सिस्टम जिससे कि हम कंट्रोलिंग रखते हैं हमें किस तरफ जाना है, सस्पेंशन सिस्टम जिससे कि हम जर्क्स जो सडन जो हमारे वाइब्रेशंस होते हैं उससे हम लोग बचते हैं, व्हील एंड टायर्स, ऑटो इलेक्ट्रिक सिस्टम जितना भी पार्ट एक ऑटोमोबाइल के अंदर बैटरी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, सारी लाइटिंग सिस्टम होता है वो. तो ये जो है एक चेसी के अंदर आता है विदाउट बॉडी. इफ़ द बॉडी इज़ ऑल्सो अटैच टू इट, इट इज़ नोन एज द पर्टिकुलर व्हीकल. यदि हम इसमें बॉडी भी अटैच कर देंगे ऊपर वाला पार्ट तो एक पर्टिकुलर व्हीकल हो जाएगा एज पर द शेप एंड डिज़ाइन ऑफ द बॉडी. सो इस टाइप से आपका बेसिक एक चेसिस दिखता है एक गाड़ी का. एक गाड़ी का यदि हम टॉप व्यू देखेंगे तो इस टाइप से उस चेसी का, तो चेसी का टॉप व्यू उस तरीके से दिखेगा. तो यहाँ आप देखेंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट आप देखेंगे तो एक व्हीकल, जैसे सपोज आपने एक व्हीकल को एक आपने एक सोचा कि एक व्हीकल है, व्हीकल का एक चेसी है, तो आप देखेंगे पेट्रोल टैंक इसमें यहाँ लगा हुआ है. उसके बाद कुछ हॉरिजॉन्टल मेंबर्स लगे हुए हैं जो कि चेसी के जो दोनों साइड बार्स हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं. बीच में एक प्रोपेलर शाफ्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है ऑटोमोबाइल का, इसको हम आज में डिस्कस करेंगे.
यहाँ आप इतना मानिए कि एक मेंबर है चेसी के अंदर, साथ में साइड मेंबर्स हैं, क्लच सिस्टम है, गियर बॉक्स लगा हुआ है, तो जितने भी एक ऑटोमोबाइल को चलाने के लिए पार्ट्स होते हैं वो सारे बेसिक चेसिस के अंदर लगे होते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ द चेसिस फ्रेम। तो क्या क्या फंक्शन है चेसिस फ्रेम के, वो है टू कैरी ऑल द स्टेशनरी लोड अटैच टू इट एंड लोड्स ऑफ पैसेंजर एंड द कार्गो कैरिड इन इट। इसका मतलब है जितना भी एक स्टेशनरी लोड है, जितने भी कंपोनेंट हैं गाड़ी के अंदर, एक ऑटोमोबाइल के अंदर, जैसे सपोज़ आपका स्टेयरिंग सिस्टम है उसको अटैच करेगा, साथ ही साथ में चेसिस क्या करेगा, पैसेंजर या जो भी इसके अंदर माल जा रहा है उसको भी कैरी करेगा, सपोर्ट करेगा। टू विदस्टैंड टॉर्जनल वाइब्रेशन कॉज बाई द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल। जब व्हीकल चलता है तो अलग अलग टाइप के वाइब्रेशन होते हैं, तो उसको भी वो विदस्टैंड करेगा, मतलब एब्जॉर्ब करेगा, सस्टेन करेगा। नेक्स्ट टू विदस्टैंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉज बाई द कॉर्नरिंग ऑफ द व्हीकल। जब हम व्हीकल को घुमाते हैं तो उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, उसको भी वो सस्टेन करे। नेक्स्ट है टू कंट्रोल द वाइब्रेशन कॉज बाई द रनिंग ऑफ द व्हीकल। जब एक अपना व्हीकल है वो रोड पर चल रहा होगा तो डिफरेंट डिफरेंट रोड का जो सर्फेस होता है वो सेम नहीं रहता है, कहीं पर जर्क्स आते हैं, कहीं पर स्पीड ब्रेकर होता है, तो उसके वजह से भी वाइब्रेशन अकर होते हैं, तो उसको भी वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है टू विदस्टैंड बेंडरिंग स्ट्रेस ड्यू टू राइज एंड फॉल ऑफ द फ्रंट एंड रियर एक्सल। साथ में बेंडिंग स्ट्रेस भी एक चीज़ होती है, आप सॉम में देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में, तो वो भी जब एक्सल्स पे आता है तो उसको भी विदस्टैंड करे। मतलब जितने भी ये साइप के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी लोड हैं, उन सबको सस्टेन करे, उन सबको कैरी करके चले, तब हम लोग एक इस टाइप से हम लोग एक चेसिस को डिज़ाइन करते हैं, ताकि जितने भी टाइप की चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यदि कोई भी फोर्स आ जाए किसी भी टाइप का, तो हमारा चेसिस फेल ना हो और एक सडन गाड़ी ब्रेक डाउन ना हो। नेक्स्ट है अब चेसिस फ्रेम के टाइप्स ऑफ चेसिस फ्रेम। तो जनरली जो है तीन तरीके के चेसिस फ्रेम होते हैं, चैनल सेक्शन में आ जाए, बॉक्स सेक्शन में आ जाए, या फिर ट्यूबुलर सेक्शन में आ जाए। मतलब सेक्शन का मतलब यदि हम चेसिस को का एक पार्ट यदि उसको काट के देखेंगे तो किस टाइप का सेक्शन दिख रहा है। चैनल सेक्शन आपका इस टाइप से दिखेगा, सी टाइप से, या आप इसको इस तरीके से ले लीजिए। बॉक्स सेक्शन आपको रेक्टेंगुलर या स्क्वायर दिखेगा, और ट्यूबुलर सेक्शन आपको एक राउंड दिखेगा, सर्कुलर। नेक्स्ट जो है एक मिनट, तो नेक्स्ट है फ्रेम। जो कन्वेंशनल फ्रेम है इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नॉन लोड कैरिंग फ्रेम। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ फ्रेम द लोड्स ऑन द व्हीकल आर ट्रांसफर्ड टू द सस्पेंशन बाय द फ्रेम विच इज़ द मेन स्केलेटन ऑफ द व्हीकल। जो कंस्ट्रक्शनल जो फ्रेम होता है उसको नॉन लोड कैरिंग फ्रेम भी बोलते हैं, और उस टाइप के फ्रेम में क्या होता है, जितना भी लोड एक व्हीकल पे आता है उसको सस्पेंशन के थ्रू मेन जो स्केलेटन होता है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। चैनल सेक्शन की जो मैं बात कर रहा था, इस टाइप का जो सेक्शन होता है वो क्या होता है, इट इज़ अ सेक्शन विच इज़ यूज इन द लॉन्ग मेंबर। यदि कोई आपका लॉन्ग व्हीकल है उसमें हम लोग चैनल सेक्शन यूज़ लेंगे, और जो बॉक्स सेक्शन है इज़ इन दिस शॉर्ट मेंबर। मतलब यदि हमारा कोई शॉर्ट व्हीकल है, छोटा व्हीकल है, तो उसमें हम लोग बॉक्स सेक्शन यूज़ लेते हैं। और ट्यूबुलर सेक्शन कहाँ यूज़ लेंगे, ट्यूबुलर सेक्शन इज़ यूज नाउअडेज इन थ्री व्हीलर्स, स्कूटर्स, मेटाडोर्स, पिकअप वैन्स एक्सेट्रा। जितने भी छोटे व्हीकल्स हैं, स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, थ्री व्हीलर्स ऑटो रिक्शा हो गया, छोटी पिकअप वैन्स हो गई, छोटी लोडिंग मेटाडोर्स होती हैं वो हो गई, तो इस टाइप से सेक्शंस का डिफरेंट डिफरेंट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड इज वेरियस लोड एक्टिंग ऑन द चेसिस फ्रेम। अब किस किस टाइप के लोड आते हैं, स्टेशनरी लोड है, नेमली द लोड ऑफ परमानेंट अटैचमेंट लाइक द पार्ट्स ऑफ चेसी एंड बॉडी, जैसे हमने अभी लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि फंक्शंस क्या क्या हैं चेसिस फ्रेम के। इसी टाइप से एक लोड किस किस टाइप के लगते हैं, स्टेशनरी जितने भी आइटम हैं उनका भी एक परमानेंट लोड रहेगा, साथ में शॉर्ट ड्यूरेशन लोड वाइड टर्निंग एंड ब्रेकिंग,
हम जब गाड़ी को घुमाएंगे तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है, तो उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ लोड आएगा। जब हम लोग सडन ब्रेकिंग करते हैं तब भी आता है, मोमेंट्री लोड होता है बाय क्विक एक्सेलरेशन इन सडन ब्रेकिंग। यदि हम गाड़ी को बहुत जल्दी से हम लोग एक्सेलरेट करते हैं, मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं या स्पीड बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ करते हैं एक साथ, तो भी उसके अंदर मोमेंट्री लोड आएगा। नेक्स्ट इज़ लोड अप्लाइड बाय क्रॉसिंग रोड्स ऑफ इरेगुलर एंड अनइवन सर्फेसिस। यदि हम ऐसा कोई रोड पे हम लोग ऑटोमोबाइल चला रहे हैं जहाँ पे इरेगुलरिटी है, मतलब रोड सही नहीं है, कहीं पे ढलान है, कहीं पे ऊंचाई है, अनइवन सर्फेसिस है, कहीं पे रोड कटी हुई है या रोड मतलब गड्ढे हो रहे हैं, तो उस टाइप में भी हमारी गाड़ी पे सडन लोड्स पड़ते हैं। नेक्स्ट इज़ लोड कॉज्ड बाय द सडन एक्सीडेंट हेड ऑन द कॉलिजन। यदि कोई बहुत ज़्यादा है, कोई सडनली हम लोग ब्रेक लगाते हैं या कोई ऐसा है कि कोई सडन एक्सीडेंट होता है या उसमें कॉलिजन होता है, दो गाड़ियों के बीच में कॉलिजन होता है, टकराव होता है, तो भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। तो इस टाइप से हम लोग, या नेक्स्ट लास्ट इज़ लोड कॉज्ड बाय द इरेगुलर ओवरलोडिंग ऑफ द व्हीकल। तो ये एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोड हैं, इतने टाइप के लोड हैं जो कि एक चेसी फ्रेम पे एक्ट होते हैं। तो ये सबको ध्यान में रख के ही हम किसी भी, जब भी एक गाड़ी को डिज़ाइन करेंगे, ऑटोमोबाइल को डिज़ाइन करेंगे, तो ये सारी चीज़ें, जब भी किसी भी टाइप का कोई भी लोड आए, चाहे मोमेंट्री लोड आए या शॉर्ट ड्यूरेशन लोड आए या स्टेशनरी लोड आए, तो गाड़ी में फैटल ना हो, गाड़ी बिखर नहीं जाए, टूट नहीं जाए, तो उस टाइप से एक चेसी फ्रेम को डिज़ाइन किया जाता है। और उस डिज़ाइन करने के लिए उसी प्रकार से उसको, उसमें कहाँ आपको कौन सा मटेरियल यूज़ लेना है या कहाँ आपको क्या करना है, उस टाइप से उसको यूज़ लिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट बॉडीज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। अब तक हम लोग चेसी के बारे में पढ़ रहे थे, चेसी का क्या रोल होता है, चेसी में किस तरीके से पार्ट्स लगे रहते हैं, चेसी कैसे बनता है, जब एक रोड पे ऑटोमोबाइल चलता है तो किस टाइप के लोड चेसी पे आकर हो सकते हैं, किस टाइप के मेंबर, किस टाइप के ऑटोमोबाइल के लिए किस टाइप का सेक्शन चेसी फ्रेम के लिए लेना चाहिए, तो ये अभी हमने चेसी के लिए देखा। अब नेक्स्ट स्लाइड इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट बॉडीज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। तो अब जनरली हम जब एक हाईवे पे चलते हैं या किसी भी कहीं भी रोड पे चलेंगे तो हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट काइंड की ऑटोमोबाइल्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, कुछ पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं इसमें लोग जाते हैं, कुछ गुड्स व्हीकल होते हैं इसमें जो माल है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, जो गुड्स हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं। तो देखेंगे डिफरेंट बॉडीज़ क्या क्या हुई। एक कार की बॉडी अलग होती है, कोई स्ट्रेट ट्रक है, कोई ट्रक विद हाफ बॉडी है जिसमें आगे पीछे बिल्कुल उसका प्लेन है जिसमें हम लोग कंटेनर वगैरह रख सकते हैं, कोई प्लेटफॉर्म टाइप ट्रक है जिसमें हम और भी कुछ, जैसे कभी कभी गाड़ियाँ या इस टाइप से जो भी हैवी मशीनरीज हैं उसको प्लेटफॉर्म बना के भी रखा जाता है, ट्रैक्टर है उसकी अपनी यूटिलिटी है, अपना यूज़ है, तो उस टाइप से उसकी बॉडी को उस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, टैंकर है, फायर टैंकर है या वाटर टैंकर है, जिस टाइप का भी टैंकर है तो उसको उसकी अपनी यूटिलिटी है, उसमें एक टैंकर के हिसाब से एक टैंक बनाते हैं ताकि उसमें जो भी कुछ हमको स्टोर करना है वो स्टोर कर सकें। बस है पैसेंजर के लिए होती है एक प्लेस से दूसरे, तो उसकी बॉडी को उस तरीके से बनाया जाता है कि हम लोग मैक्सिमम उसमें पैसेंजर के लिए स्पेस निकाल सकें अलोंग विद द कम्फर्ट, ताकि उनको कम्फर्ट भी रहे। डंपर ट्रक है, डंपर ट्रक मतलब जो ट्रक जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस से सामान को डंप करता है, लाइक जो यदि हम लोग कोई ओवरबर्डन कहीं पे है, मिट्टी वगैरह है, उसको एक प्लेस से उठाना है और उसको दूसरी जगह डंप करना है, डिलीवरी वैन्स हैं, जीप्स हैं एंड लॉन्ग व्हील बेस्ड ट्रक हैं। तो ये बहुत सारे काइंड ऑफ ऑटोमोबाइल्स हैं, व्हीकल्स हैं जो कि एक रोड पे चलते हैं, एक हाईवे पे चलते हैं, एक लैंड पे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते हैं, अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटी, अकॉर्डिंग टू द जो भी आपका पर्पज़ है उसके हिसाब से हम लोग गाड़ी जो भी ऑटोमोबाइल है उसको परचेज़ करते हैं। लेट सपोज़ मुझे ट्रैवल करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो मुझे कार ख़रीदनी है, एक फार्मर है उसको ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको जिसका रॉ मटेरियल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है उसको डिलीवरी वैन्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उस हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन, एक जो भी आपकी यूटिलिटी या पर्पज़ है उसके हिसाब से आप एक ऑटोमोबाइल को परचेज़ करते हैं और देखते हैं। और उन सब में क्या है कॉमन, क्या चीज़ है, चेसी रहता है, सारे पार्ट्स रहते हैं, बट जो ऊपर की बॉडी है वो सबकी अलग अलग रहती है डिपेंडिंग ऑन दी क्या पर्पज़ है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑल अबाउट रिक्वायरमेंट्स ऑफ बॉडीज़ फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल।
इसका मतलब है कि ये नहीं है कि जो अब तक मैंने बॉडी बताई है वही है, इसके अलावा भी कुछ लोगों की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमें इस टाइप की का सामान रखना है, जैसे फूड वैन्स होती हैं जो कि जिसमें वही इंजन सब रहता है, सारे पार्ट्स रहते हैं, बट जो बॉडी है वो उस तरीके से कस्टमाइज़ कराते हैं कि अंदर वो प्रॉपर सारा किचन लेके चलते हैं, ताकि वो कहीं भी किसी भी प्लेस पे जाके खड़े हो जाते हैं और उसमें अपना काम कर सकते हैं। जैसे जो गांवों से दूध आता है, मिल्क आता है, या और भी जो भी आइटम्स आते हैं, वो उसके लिए चिलिंग प्लांट्स होते हैं, तो उसके लिए एक रेफ्रिजरेटेड बॉडी होती है, तो वो उसकी वहाँ रिक्वायरमेंट है। रेफ्रिजरेटर बॉडी नहीं है तो जो एनवायरनमेंट की हीट है उससे जो भी पेरिशेबल आइटम्स है, ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, वो ख़राब हो जाएंगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द यूज़र रिक्वायरमेंट, यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी जो एक व्हीकल है, एक ऑटोमोबाइल है, उसकी बॉडी को कस्टमाइज़ कराया जा सकता है। सो आई होप एवरीथिंग आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।